झालावाड़ जिले के मनोहर थाना और अकलेरा क्षेत्र में शराब दुकानों का संचालन कर रहे शराब माफियों के द्वारा गरीबों के साथ धोखाधड़ी जैसे काली करतूत का मामला सामने आया है। घटना का पता उस समय चला जब क्षेत्र के कुछ गरीब लोगों को आबकारी विभाग द्वारा शराब दुकानों के करोड़ों रुपए बकाया के भेजे गए नोटिस मिले। ये लोग तो 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष करते हैं, ऐसे में करोड़ों रुपए के नोटिस देखकर उनके होश फाख्ता हो गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराए हुए ये पीड़ित लोग झालावाड़ पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी के पास पहुंचे और उनके साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी। इन लोगों ने अकलेरा मनोहर थाना क्षेत्र के एक बड़े शराब व्यवसायी पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में SP ऋचा तोमर ने कहा कि कुछ लोगों की इस तरह की शिकायत आई है, जिस पर उनके द्वारा संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। मामला दर्ज होने पर पुलिस अनुसंधान करेगी। उधर जिला आबकारी अधिकारी सतीश पुनिया ने कहा कि उनके द्वारा नोटिस उन्हीं लोगों को भेजे गए हैं जिनके नाम से शराब दुकान के लाइसेंस जारी हुए हैं, फिर भी कुछ लोगों द्वारा शिकायत मिली है जिसकी भी जांच कार्रवाई की जाएगी। कासम भाई, क्या आपके नाम से भी शराब की दुकानें खुली आपको पता नहीं है क्या? वो आए हो कौन? पैसा देते ये कागज दे दे थारा आधार कार्ड और ये दे दे पैन कार्ड ये दे दे तो तुम कागज लगा दो दुकान लगा और तय लाभ मिल जाएगी और क्या है मोती गाड़ी का मिल जाएगा तुम वो तो दे दो भाई साहब ये तो कहीं मैसे भेज मैंने कहीं। सर मैं ये एप्लीकेशन लगाने आया हूँ यहाँ पे, मेरे साथ अन्याय हुआ है सर। क्या एप्लीकेशन क्या नोटिस मिला आप लोगों को? सर मुझे आबकारी विभाग से 2 नोटिस प्राप्त हुए जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, न मैं सर आपके बारे में कुछ जानता हूँ न कोई जानकारी है मुझे। क्या लिखा हुआ है नोटिस में? उसमें लिखा है कि ये आप पैसे जमा कराओ। कितने पैसे? 1,98,97,295 रुपये का है और 1,58,00,000 मतलब करीब 1.5 करोड़ का, 58,80,962 रुपए का, 1.5 करोड़ से ऊपर है लगभग। तो नोटिस नहीं आया सर, हमारे नाम से दुकानें चल रही है एक लेरा में और एक लसूड़िया में और नोटिस आने से पहले क्या कि रिश्वत देकर वही नोटिस दबवा देते हैं और हमारे गांव में एक और उनका कागज लगाया था मेरा फूफा राखी हुआ उनके नाम के नोटिस आए हैं। मैं इस प्रकरण को आज ही दिखाऊंगा और इस तरह की कोई अगर अवैध गतिविधि वहाँ है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे।